गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आपकी मॉर्निंग आज बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनवांटेड हेयर से हमेशा के लिए छुटकारा, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। और इसका दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है कि आपके अनवांटेड हेयर्स तो जाएंगे, आपकी स्किन तो बहुत स्मूथ और बहुत ही ग्लोइंग हो जाएगी। इसके साथ साथ आपकी जितनी भी पिगमेंटेशन है ना फेस से, वो भी चली जाएगी। हो गए ना हैरान कि ऐसा कैसे कि फेस के हेयर्स भी चले जाएं और स्किन भी ग्लोइंग हो जाए। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए घर पर डिटैन वैक्स, जो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनेगी। बहुत ही इफेक्टिव है और साथ में उसको करने के बाद आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग और बेबी सॉफ्ट हो जाएगी। मेरी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस है, वो भी आप लोगों की हेवी रिक्वेस्ट पे। आप लोगों ने मुझे कहा था कि फेस के हेयर्स या तो मैं रेजर से रिमूव करूँ या फिर दूसरा तरीका है वैक्स का। तो रेज़र ऑनेस्टली मैं यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि रेज़र से क्या होता है, मतलब मुझे ऐसी फील आती है कि रेज़र से यूज़ करने के बाद आपके जो फेस के हेयर्स हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं। क्योंकि मैंने एक बार रेज़र स्कूल टाइम में 12th पे फेयरवेल पे अपनी लेग्स पे यूज़ किया था क्योंकि मम्मा से बहुत डर लगता था उस टाइम पे वैक्स वगैरह के पूछने के लिए, तो मैंने रेज़र यूज़ कर लिया था। और उसके बाद मेरी हेयर ग्रोथ इतनी गंदी आई थी कि बस मैंने हाय तौबा मच गई मेरे को कि अब तो रेज़र लाइफ में यूज़ नहीं करना। तो फेस पे तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती। इनफैक्ट वैक्स भी मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वैक्स अगर हम यूज़ करते हैं, मतलब मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन उससे हमारी जो स्किन होती है ना वो लूज़ पड़ने लगती है, ढीली पड़ जाती है। तो मैं आपको वैक्स बता रही हूँ कैसे करना है, लेकिन आपको मैं ये रेकमेंड करूँगी कि वैक्स है वो 2 मंथ्स में या 1 मंथ में एक बार या 3 मंथ्स में एक बार करें। इतना ज़्यादा यूज़ टू मत हो जाएं क्योंकि एक्चुअल में जब आप किसी स्किन को अपनी पुल करते हैं तो उससे आपकी स्किन ढीली पड़ने लगती है, राइट। और लेकिन इसके बाद आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मार्केट का जो वैक्स होता है उसमें पता नहीं आपको कौन से केमिकल मिले होते हैं, लेकिन हम घर पर जो बनाएंगे वो इतने हेल्दी इंग्रेडिएंट हैं जिसको वैसे भी लगाने से आपकी स्किन की जो भी टैनिंग होती है वो बहुत अच्छे से निकल जाती है और आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा। इनफैक्ट जो आपके नोज पे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है ना, वो भी दूर हो जाएगी। कैसे ना, हैरान हो रहे हो ना। बस देखते जाओ, फॉलो करते जाओ। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक और शेयर करना मत भूलना। लेकिन वैक्स से पहले कुछ हमें इंपॉर्टेंट टिप फॉलो करनी है जो मे बी आज से पहले आपको किसी ने गाइडलाइन नहीं दी होगी, जो मैं देना चाहती हूँ आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूज करना है जो भी पाउडर, उसकी मेक श्योर पाउडर का डब्बा साफ हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम डेली डस्टिंग तो करते नहीं लेकिन घर में डस्ट आती है तो हमारा पाउडर का डब्बा गंदा होता है, तो हम उसी डब्बे से ऐसे करेंगे और फटाफट फेस पे लगाए और वैक्स स्टार्ट कर दी। तो जो भी उस पर डस्ट है, गंदगी है, वो आपके फेस पे लगेगी। देखिए, जब हमारे फेस पे हेयर्स होते हैं तो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी पिंपल एक्नी से आपको फाइट करते हैं। लेकिन जब आपके फेस के हेयर्स हट जाते हैं तो आपकी न्यू स्किन बाहर आती है जो बेबी सॉफ्ट होती है, तो उस पर अगर बैक्टीरियाज आएंगे तो आपके पिंपल एक्नी जल्दी आएंगे, ठीक है। टिप नंबर 2, आप जो भी माचिस की तीली या कोई भी चक्कू या कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो अपने फेस पे वैक्स अप्लाई करने के लिए, मेक श्योर वो अच्छे से साफ हो। साफ करने के बाद जहाँ भी आप उसको रखते हो, दोबारा जब रीयूज़ करोगे दोबारा से उसको अच्छे से सैनिटाइज करो या डिटॉल में एक बार उसको डिप करके निकाल लो ताकि उससे सारे बैक्टीरियाज खत्म हो जाए। टिप नंबर 3, वैक्स के इमीडिएटली बाद आपको कोई भी सोप यूज़ नहीं करना है। आपको यूज़ करना है आइस क्यूब और साथ में एलोवेरा जेल। जैसे आपने वैक्स किया, आप फट से एलोवेरा जेल अप्लाई करें और उसके बाद आइस क्यूब रब करें और सो जाएं। वैक्स ऑलवेज ऑलवेज आपने नाइट में करनी है क्योंकि क्या होता है, वैक्स के बाद बहुत लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो जैसे ही हम वैक्स करते हैं और उसके बाद हम जब गर्मी में कोई भी अपना घर का काम करते हैं तो धूल मिट्टी हमारी स्किन में चिपकती है और हमारी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं और हमारे पसीने में नमक होता है जिसकी वजह से हमारे पिंपल, एक्नी और दाने, मैंने बहुत लोगों के देखा है जो यहाँ पे इस एरिया में पैच बन जाता है जो वैक्स करवाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो डे टाइम में करवाते हैं, सलून में जाते हैं, तो उस और नाइट का तो ऑप्शन है नहीं। लेकिन आज के बाद आपको अपनी एटलीस्ट फेस के हेयर्स के लिए ना पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाइट में करो। वैक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 5 चम्मच चीनी। यहाँ पे मैंने 5 चम्मच चीनी ली है अपने फेस के अकॉर्डिंग, मुझे अपने फेस के लिए रेडी करनी है। आप चाहें तो फुल बॉडी के लिए बना रहे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है हनी, जिसके लिए मैंने इस्तेमाल करे हैं 4 से 5 चम्मच, इसकी क्वांटिटी इतनी ही रहेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 नींबू। आपको पूरा नींबू इतने साइज़ का यूज़ करना है और आप देख सकते हैं सिर्फ आपको इतना सा ही पानी, आप देख रहे हैं जैसे कि इतना ही पानी आपको डालना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना। और अब इसको गैस पर उबलने के लिए रख देना है। फ्लेम जो होगा वो बिल्कुल लो रखना है, ज़्यादा तेज़ आपको नहीं करना है। और लो फ्लेम पे आपको इसको धीरे धीरे भूनने देना है। जैसे हम चाशनी तैयार करते हैं सेम आपको वैसे ही करना है। तो आप गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद करके थोड़ा सा उसको ठंडा होने दीजिए। उसके बाद उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपकी रेडी है डिटैन वैक्स। ये आपकी बॉडी की सारी टैनिंग को भी निकालेगी और आपके हेयर्स को भी बहुत अच्छे से रिमूव करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैक्स करना। गाइस तो यहाँ पर हमारी वैक्स रेडी है। और मेक श्योर जब आप फेस वैक्स कर रहे हो तो अपना एसी जो है उसको बंद कर दें, क्योंकि ये वाला वैक्स अगर आपके पास हीटर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हीटर नहीं है तो क्या होगा, आपका ये वैक्स ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से आपकी हेयर ग्रोथ नहीं निकलेगी। तो आप जैसे उस एरिया पे बार बार प्रेशर देंगे तो आपकी स्किन रेडनेस और एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। वैक्स करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धो लें ताकि आपके हाथों में कोई भी डस्ट ना हो, जिससे आपके फेस पे कोई एलर्जी ना हो। मैं अपने पूरे फेस पे करूंगी, इनफैक्ट अपनी नोज पे भी करूंगी, क्योंकि नोज पे वैक्स करने का बेनिफिट क्या होता है, ये आपके जो छोटे छोटे व्हाइट हेड और ब्लैक हेड्स है ना उनको भी रिमूव कर देता है। तो ज़रूर ट्राई करना इस चीज़ को। मैं अपनी नोज पे, अपने फेस पे ये साइड लॉक्स आप जितनी अच्छे से दबा लें उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आपके ज़्यादा हेयर्स के हेयर खिंच गए मतलब बाल तो दर्द करेगा। और एलोवेरा और आइस क्यूब अपने पास रखें वैक्स करने से पहले, क्योंकि आफ्टर वैक्स आपको फट से एलोवेरा लगाना है और ऊपर से आइस क्यूब रब कर लेनी है। आप इसको अच्छे से फुक्की मार लें। फेस को टाइट रखें। आओ आओ, बहुत ज्यादा डेड स्किन भी इतनी ज्यादा निकल रही है इसके अंदर की। ऊपर की तरफ बहुत अच्छे आपके जो नोस्टल के हेयर्स है ना वो भी बहुत अच्छे से निकल गए। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। आओ, तो मैं कंप्लीट करती हूँ अपना फुल फेस, बिकॉज आधी दाढ़ी तो रखूंगी नहीं, एक साइड का कर दी एक साइड का छोड़ दूँ ऐसा नहीं हो सकता। तो आप फटाफट से जाओ और इन गंदे गंदे हेयर्स के साथ साथ अपने फेस की डेड लेयर हटाओ, अपनी स्किन को फ्लॉलेस बनाओ। इमीडिएटली आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि कैसा रिजल्ट रहा। हम सो एक्साइटेड जानने के लिए। आपके व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स भी रिमूव करेगा। फोरहेड के लिए आप छोटी स्ट्रिप्स ले सकते हो और बहुत झंझटबाजी नहीं है। आप इजिली अपने कोई भी घर पे जो थैला पड़ा होता है पॉलिथिन, तो आप उसको कटिंग कर सकते हो टिश्यू बैग को, लेकिन उसको पहले धो लेना, उसको बस कट करके। उसमें भी ऐसी ही स्ट्रिप्स होती हैं, ऐसे ही पतले पतले। ये मैंने वाइट जो पॉलिथिन होता है ना उसकी स्ट्रिप्स हैं ये। और बाकी आप ऐसे ही अपने फेस का ध्यान रखें। जैसे ही आपने वैक्स किया अपने फेस पे आइस क्यूब रब करें, एलोवेरा लगाएं और उसके बाद अच्छे से रिलैक्स होकर सो जाएं। लेकिन इसके बाद आपको बाहर नहीं जाना। आपको वैक्स का जो सेशन है वो करना है रात को, और सुबह उठना आपकी बेबी स्किन आपके सामने होगी। लेकिन मेक श्योर सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। आपकी अंदर की स्किन बाहर आ चुकी है, आपकी डेड लेयर आपके हेयर्स जो प्रोटेक्ट करते हैं आपकी स्किन को वो हट चुके हैं, तो उसके लिए आपको सनस्क्रीन मस्ट है लगाना है। लव यू ऑल, खुश रहो, एंजॉय करो, ऐसे ही कुछ नया देखते रहो।